हेलो स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड फॉर गेट की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे कल इस चैनल पे जो स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया था उससे। रोटेशन का जो क्वेश्चन कल इस चैनल पे आया था उसके आंसर्स बच्चों ने बहुत अलग अलग दिए हैं, इसलिए हम उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज आइडेंटिकल टू क्वेश्चन फिगर। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन फिगर में लेफ्ट टॉप पे और राइट बॉटम पे दो स्क्वायर दिए हुए हैं। जो लेफ्ट टॉप पे स्क्वायर है उसे हम व्हाइट स्क्वायर का नाम दे देते हैं और जो बॉटम राइट पे है उसे हम ब्लैक स्क्वायर कहेंगे। तो अभी हमें की पॉइंट चुनना है। की पॉइंट के लिए आप ब्लैक या व्हाइट में से कोई भी स्क्वायर को चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम व्हाइट स्क्वायर को की पॉइंट चुन लेते हैं। अब हम की पॉइंट का रोटेशन देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स का रोटेशन भी चेक करेंगे। जो व्हाइट स्क्वायर है आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। जो ब्लैक स्क्वायर है वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट है, लेकिन जो बीच में क्रॉस सिंबल बना है वो एज इट इज है, उसमें कोई रोटेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी में आप देखेंगे कि जो व्हाइट स्क्वायर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड है। जो ब्लैक स्क्वायर है वो भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड है, लेकिन जो आपका क्रॉस सिंबल है वो 90 की जगह 180 डिग्री रोटेटेड है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। ऑप्शन सी में व्हाइट स्क्वायर 180 डिग्री रोटेटेड है, यानी कि अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ब्लैक स्क्वायर भी 180 डिग्री रोटेटेड है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो क्रॉस सिंबल है वो 90 डिग्री रोटेटेड है, ना कि 180, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। लास्ट में हम चेक करेंगे ऑप्शन डी को। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो व्हाइट स्क्वायर है वो रोटेट हुआ है 180 डिग्री, ब्लैक स्क्वायर रोटेट हुआ है 180 डिग्री अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और जो क्रॉस सिंबल है वो भी आप देखेंगे 180 डिग्री रोटेट हुआ है। तो सारे ही मेजर ऑब्जेक्ट्स जो इस फिगर में दिए गए हैं वो 180 डिग्री रोटेट हुए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।